कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हजारों केस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, जिसके चलते सभी लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को हम सही रखें। यानी कि कहा जाता है कि अगर कोरोना वायरस आपको हो भी जाए तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके शरीर से कोरोना वायरस जल्दी भागने की आसार रखते हैं। लेकिन खुद को कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे घरेलू उपचार से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं एक उपाय से, जिसमें जरूरी यह है कि खुद को हाइड्रेट रखें। जी हाँ दोस्तों, खुद को हाइड्रेट यानी कि खुद को हमेशा ही तरोताज़ा रखें, जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। बताएं दोस्तों पूरी जानकारी है कि खुद को हाइड्रेट रखने से आपको कॉफ़ी, चाय, कोला और अल्कोहल की क्रेविंग नहीं होगी, इसलिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। इसके अलावा आप ये काम ये भी कर सकते हैं, ORS का घोल भी घर पर बना के पी सकते हैं। घोल बनाने के लिए आप पानी, नमक और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय से आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्वस्थ रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो एक बारी को चांस है कि आप कोरोना वायरस की चपेट में आ भी जाएं तो आपका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो, जिसके चलते कोरोना वायरस आपके शरीर से जल्दी पीछे छोड़ दे। इसलिए ऐसे मौसम में ज़रूरी है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से बनाए रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है और 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, जिसके चलते आपका शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो और साथ ही साथ आपका शरीर हाइड्रेट रहे। इस बात का खास ध्यान रखें कि ORS का घोल भी दिन में एक बारी तो कम से कम पी ही लें। इसमें अगर आपको ORS का घोल कहीं बाहर की दुकानों से नहीं मिला तो आप घर पर ही बना सकते हैं, जिसमें पानी, नमक और चीनी का इस्तेमाल होता है और सिर्फ इन तीनों से मिला के आप ORS का घोल बनाकर घर पर ही पी सकते हैं, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।